हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम 10th क्लास की सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक पढ़ने वाले हैं। इसमें हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे और क्विकली हम रिवीजन करेंगे। ये एक मास बूस्टर सीरीज है जिसको अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो इस टॉपिक से आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे एग्जाम में। तो चलिए, इसमें हमारा चैप्टर 2 है और हम क्विकली इसको डिस्कस करेंगे, बट कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आपको कुछ टर्म पहले पता होना चाहिए। बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी क्या है? ये दो टर्म से मिलकर बना है, एक तो है बायो, दूसरा है डायवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग होती है उसको बायोलॉजिकल बोलते हैं। और डायवर्सिटी क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है, विविधता, अलग अलग तरह की चीज है। तो हमारे आसपास अगर हम देखते हैं तो वन एरिया में बायोलॉजिकल डायवर्सिटी पाई जाती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ हमारे आसपास पाई जाती है। जैसे कि हमारे आसपास प्लांट्स भी दिखेंगे, एनिमल्स भी दिखेंगे, फंगी, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन सभी दिखाई देंगे। तो एनिमल्स दिखाई देंगे, प्लांट्स दिखाई देंगे, फंगी दिखाई देंगे। तो एक पर्टिकुलर रीजन में, किसी एक एरिया में डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ अगर होती है तो उसको बायोलॉजिकल डायवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नेचुरल वर्ल्ड में बायोलॉजिकल डायवर्सिटी पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी मिलती है आपको। ये सभी जिस जगह पे रहते हैं, जिस हैबिटेट में रहते हैं, इनको रहने के लिए, जैसे एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए या प्लांट्स के लिए किसकी चीज की जरूरत है? वाटर की जरूरत है, एयर की जरूरत है। तो ये सभी जिस सिस्टम, जो सिस्टम बनाते हैं उसको इको सिस्टम बोलते हैं, या इसका दूसरा नेम भी आप बोल सकते हो, इकोलॉजिकल सिस्टम, या शॉर्ट में हमने क्या बोल दिया, इको सिस्टम। ये भी दो टर्म से मिलकर बनाया है। तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग थिंग है लाइक सॉयल, वाटर, एयर, ये सभी जो है एक पर्टिकुलर एरिया में, ये सभी प्लस लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तो उसको इकोसिस्टम बोला जाता है। इकोसिस्टम में क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है, जैसे सोलर रेडिएशन हो गया, विंड्स हो गया, सॉयल हो गया, ये सभी हमें रिक्वायरमेंट है अपने लाइफ के लिए, हमें सर्वाइवल के लिए एयर की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, तो ये सभी चीजें, बट और साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो तो वो क्या होता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। ह्यूमन इस इकोसिस्टम पर पूरी तरह से डिपेंड होता है, हम अपने एग्जिस्टेंस के लिए सब पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पर जो इसमें हम देख रहे हैं, प्लांट्स, प्लांट्स से मिलकर ही फॉरेस्ट बनते हैं। फॉरेस्ट क्या, एक ऐसी ऐसी जगह होती है जहां पे बहुत सारे प्लांट्स हो। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, लाइक हमें फूड चाहिए, फूड के लिए हमें किस पर डिपेंड होना होता है, फॉरेस्ट पर, प्लांट्स पर डिपेंड होना होता है। इसी तरह से सभी एनिमल्स को, या तो दूसरे एनिमल पर, और फिर जो दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं वो एनिमल्स किस पे डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। तो इसी वजह से फॉरेस्ट जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है, लाइक टाइगर है। अब आप बोलोगे टाइगर तो प्लांट्स को खाता ही नहीं है, ग्रास भी नहीं खाता वो, लेकिन टाइगर किसको खाता है, डियर को खाता है, और डियर किसको खाता है, वो प्लांट्स को खाता है। तो प्लांट्स क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें फॉरेस्ट के बारे में ही पढ़ना है। यहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं उनको फ्लोरा बोला जाता है, और मैमल्स या एनिमल्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फौना बोला जाता है। तो इंडिया में फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा एक प्लांट लाइफ, पर्टिकुलर रीजन में अगर प्लांट लाइफ होती है तो उसको फ्लोरा बोला जाता है, और मैमल्स को क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं, ठीक है। फौना किसको बोला जाता है, मैमल को बोला जाता है या एनिमल्स को बोला जाता है। मैमल क्या होते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं बेसिकली, वो मैमल होते हैं। तो एनिमल लाइफ जहां पे होती है तो उसको फौना बोला जाता है, क्लियर है। इंडिया जो है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी में वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री में आता है, मतलब हमारे यहाँ पे बायोलॉजिकल डायवर्सिटी काफी है। ओके, अब अगर हम बात करें, साइंटिस्ट ने अभी काफी सारे फ्लोरा फौना को डिस्कवर कर लिया है, लेकिन अभी भी ट्वाइस और थ्राइस नंबर ऐसा है जो अभी भी डिस्कवर नहीं किया गया। मतलब इतनी ज्यादा बायोलॉजिकल डायवर्सिटी हो सकती है कि साइंटिस्ट तब से डिस्कवर करते आ रहे हैं और अभी तक भी पूरा डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हमारे यहाँ पे जितना भी बायोडायवर्सिटी है उसको हमने 100% ले लिया। 100% का 10% जो फ्लोरा है, मतलब प्लांट्स जो हैं, और 20% एनिमल्स, मैमल जो हैं, वो थ्रेटेंड लिस्ट में आते हैं। अगर हम एक लिस्ट बनाए कि ये इनकी पॉपुलेशन सबसे अच्छी है, इनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम हो गई है, ये और कम हो गए, ये और कम हो गए हैं, तो इस तरह से अगर हम लिस्ट बनाए तो हमारे यहाँ टोटल जो 100% है उसका 10% फ्लोरा, मतलब प्लांट्स, और 20% मैमल्स थ्रेटेंड लिस्ट में आते हैं। इनको कैटेगराइज किया गया है क्रिटिकल, मतलब ये क्रिटिकल कंडीशन में, इनको क्रिटिकल लिस्ट में डाल दिया गया है कि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके क्या है, चीता, पिंक हेडेड डक, ये तो खत्म ही हो चुके हैं इंडिया से, चीता, पिंक हेडेड डक खत्म हो चुके हैं। माउंटेन क्वाल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट, ये सभी
क्रिटिकल कंडीशन में इनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, प्लांट्स जैसे कि एक महुआ की वैरायटी है, वाइल्ड वैरायटी ऑफ महुआ, जिसको क्या बोलते हैं, मधु का इंसेक्टस। ठीक है, ये जो है ये क्रिटिकल कैटेगराइज किया गया है इसको। इसके अलावा ग्रास, एक ग्रास है हर्बर्डिया हैप्टीन्यूरॉन, ये जो स्पीसीज है ग्रास की, ये भी क्रिटिकल या थ्रेटन लिस्ट में इसको डाला गया है। ओके ठीक है, अब इसके अलावा फॉरेस्ट जो है वो वैनिश हो रहे हैं, तो वैनिशिंग फॉरेस्ट में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे कई सारे रीजन है जो डिफॉरेस्टेशन के कारण बनते हैं। डिफॉरेस्टेशन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब जितनी जगह पे इंडिया है उसका 24.56% जो है वहां पे फॉरेस्ट है। मतलब टोटल ये है 100% और 100 में से कितना 24.56% क्या है, फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट कवर है जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर हम बात करें डेंस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में भी डेंस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत घने घने जंगल होते हैं जिनको डेंस फॉरेस्ट बोला जाता है। डेंस फॉरेस्ट कितना है, 12.4% है। ओपन फॉरेस्ट कितना है, 9.26% है। और मैंग्रोव हमारे यहाँ पे कितना है, 0.15% मैंग्रोव है। ओके, अब हम बात करते हैं एक रिपोर्ट की, एक स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकाली जाती है। ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया जाता है कि किस स्टेट में या पूरे के पूरे इंडिया में कितना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, पहले कितना था अब कितना हो गया, हर 2 ईयर्स में निकाली जाती है। तो 2021 की जो है वो अभी लेटेस्ट है। ठीक है, 2021 की जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा बताया गया है कि इंडिया में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, ये तो अच्छी बात है। और कितना इंक्रीज हुआ है, 1540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, मतलब कि प्लांट्स लगाए गए हैं। और ये 2019 जो है उसके कंपैरिजन में, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डिक्लाइन हुआ है। और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनमें भी डिक्लाइन हुआ है, डिग्रेड हुआ है। नेचुरल फॉरेस्ट क्या होते हैं, वो फॉरेस्ट जिसको मैन, मतलब बेसिकली हम, हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने उनका प्लांटेशन नहीं किया था, वो खुद ही अपने आप से हो गए थे, कोई बीज आके गिर गया होगा और वो सीड से प्लांट बन गए। तो नेचुरल फॉरेस्ट जो थे वो उसमें डिग्रेडेशन हुआ है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो फॉरेस्ट है उनमें भी डिक्लाइन हुआ है। बट फॉरेस्ट कवर कैसे बढ़ सकता है, हमने लगाए हो, प्लांट्स लगाए, तो इस तरह से फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। अब बात आती है कि देखिए IUCN है, IUCN क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने का काम करता है। इसमें कुछ जो प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज हैं उनको कैटेगराइज किया है, तो इनके कैटेगराइजेशन के हिसाब से हम उसकी कितनी कैटेगरीज हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहली आती है नॉर्मल स्पीसीज, वो स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, मतलब जिन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो खत्म नहीं होंगे, एक्सटिंक्ट नहीं होंगे। तो ऐसी कौन सी पॉपुलेशन है, हम अपने आसपास बहुत सारे रोडेंट्स देखते हैं, चूहे देखते हैं, उनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है। हम अपने आसपास और क्या देखते हैं, कैटल्स देखते हैं, काओ देखते हैं, ये कैटल्स है। इसके अलावा साल और पाइन की जो प्लांट्स हैं इनकी भी ठीक ठाक कंडीशन में है। तो ऐसी स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, मतलब अच्छी पॉपुलेशन है, अगर इन पे नहीं भी ध्यान देंगे तो भी ये मरेंगे नहीं, ये पूरी तरह से एक्सटेंट नहीं होंगे, तो ये नॉर्मल स्पीसीज होती है। नेक्स्ट आती है आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज, नेम से समझ आ रहा है कि ये क्रिटिकल कंडीशन में है, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये खत्म हो जाएंगे, या नेगेटिव फैक्टर्स इसी तरह से ऑपरेट होते रहे तो ये खत्म हो जाएंगे, इनका सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, अगर नेगेटिव फैक्टर्स जो इनके मरने के लिए, जो इनके खत्म होने के लिए रीजन है, वो अगर ऐसे ही चलते रहे तो फिर ये खत्म हो जाएंगे। कौन कौन से रीजन है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ब्लैक बक, यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लैक बक या ये क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल को काफी सारे जो वहां के विलेज वाले एरिया में जो लोग रहते हैं, फिशिंग के लिए जाते हैं, वो इनको मार देते हैं, घड़ियाल को मार देते हैं, इसी वजह से घड़ियाल और क्रोकोडाइल इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। इंडियन वाइल्ड एश इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, इंडियन राइनो की पॉपुलेशन कम हो रही है। इसके अलावा सिंघाई, ये जो है ये आपका मणिपुर में ये डियर पाया जाता है, ये भी धीरे धीरे एक्सटेंट हो रहा है, तो एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, अगर नेगेटिव फैक्टर्स ऐसे ही चलते रहे, इनको मारा गया या फॉरेस्ट कवर खत्म होता गया, तो ये खत्म हो जाएंगे ये पूरी तरह से। नेक्स्ट आता है वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब है कि इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, पहले जितनी थी उससे कम हो रही है। ठीक है, जहां पहले जितनी थी उससे कम हो गई, और कम हो गए वहां तक पहुंच गई कि अब ध्यान नहीं दिया तो ये एंडेंजर कैटेगरी में चले जाएंगे, मतलब बिल्कुल खत्म होने की कगार पे पहुंच जाएंगे। तो वल्नरेबल कंडीशन मतलब कि अगर इन पे ध्यान नहीं दिया तो एंडेंजर कैटेगरी में चले जाएंगे, नेगेटिव फैक्टर्स अगर इसी तरह से चलते रहे तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इन पे कौन से आते हैं, ब्लू शीप, आपने शीप का फोटो देखा होगा, ब्लू शीप
ये या एशियाटिक एलिफेंट या ये जो डॉल्फिन दिख रही है आपको, गंगेटिक डॉल्फिन, ये गंगा रिवर में पाई जाती है, लेकिन ये बिल्कुल वल्नरेबल कंडीशन में है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, ह्यूमन एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा होता है क्योंकि फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है, उसकी वजह से ये कहाँ जाए, अब ये ह्यूमन जहाँ पे रह रहे हैं वहां जाएंगे, और वहां जाते हैं अपने फूड के लिए या अपनी बेसिक नीड के लिए, तो ह्यूमन और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ह्यूमन इनको मारते हैं, ये ह्यूमन को मारते हैं, ऐसी प्रॉब्लम सामने आती है और इसी वजह से ये खत्म होते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है रेयर स्पीसीज। नेम से क्या समझ आ रहा है कि रेयर है, बहुत ही कम है, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, स्मॉल पॉपुलेशन है, और ये कहाँ जा रही है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में चली जाएंगी अगर नेगेटिव फैक्टर्स इसी तरह से चलते रहे तो। अगर इनको बचाया नहीं गया तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में चली जाएंगी और फिर एक्सटेंट भी हो जाएंगी, है ना, एक्सटेंट मतलब खत्म हो जाएंगी, एंडेंजर्ड में नहीं, फिर उसके बाद और भी ध्यान नहीं दिया गया तो फिर खत्म हो जाएंगी। तो इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, स्मॉल पॉपुलेशन है इनकी, ठीक है, काफी कम पॉपुलेशन है। तो इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर, ये आपको दिख रहा है, ये ब्राउन कलर का बियर है, ये हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, एशियाटिक बफेलो, ये आपको दिख रहा है, ये वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है ये, और हॉर्नबिल, ये सभी कैसे हैं, ये रेयर स्पीसीज हैं, बट इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये कहाँ चली जाएंगी, ये एक्सटेंड हो जाएंगी धीरे धीरे और एंडेंजर्ड स्पीसीज में आने लगेंगी। नेक्स्ट लिस्ट जो है वो एंडेमिक स्पीसीज की है, मतलब इस तरह की लिस्ट निकालिए, ये नॉर्मल है, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, पॉपुलेशन काफी है, एंडेंजर्ड है, ध्यान नहीं दिया तो खत्म हो जाएंगी। दूसरा कौन सा है आपका, रेयर है, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ध्यान नहीं दिया तो फिर खत्म हो जाएंगी, वल्नरेबल है, ध्यान नहीं दिया तो ये भी खत्म हो जाएंगी, और एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक में क्या आता है, एग्जाम्पल आपको सब याद रखने हैं, एंडेमिक क्या होता है, देखो आपने एक टर्म सुना होगा पैंडेमिक, पैंडेमिक कोरोना के टाइम पे, इसी तरह से एक वर्ड होता है एंडेमिक, एंडेमिक मतलब किसी एक एरिया की, ठीक है, एंडेमिक मतलब किसी एक एरिया में, पैंडेमिक मतलब बड़े एरिया में होता है बेसिकली, तो एंडेमिक क्या होता है, किसी एक एरिया में, तो कुछ ऐसी स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है उनको एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, ऐसी स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं, ये आइसोलेट होती हैं बाय द नेचुरल एंड ज्योग्राफिकल बैरियर्स, मतलब कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो उसी उसी हैबिटेट की, उनका हैबिटेट वही है, उसके अलावा और कहीं नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है, वो उसी तरह के क्लाइमेट में रहना जानती हैं, या तो बहुत ज्यादा ठंड में, जैसे पोलर बियर पोलर पे ही रहते हैं, अगर उनको यहाँ ले आएंगे तो वो मर जाएंगे, तो इसी तरह से ये ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से आइसोलेट होती है, कुछ स्मॉल स्पेस पे एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती हैं, तो ये एंडेमिक स्पीसीज हैं, जैसे कि अंडमान टील जो है वो अंडमान में मिलती है, निकोबार, ये जो आपका पिजन है वो, सॉरी निकोबार पिजन, ये आपका अंडमान टील है, निकोबार पिजन ये है, आप ये देख सकते हो, ये आपकी अंडमान निकोबार पिजन है, अंडमान वाइल्ड पिग ये आप देखो, ये पिग है अंडमान में मिलता है, ये भी उसी एरिया में ही मिलता है, और अरुणाचल प्रदेश का ये मिथुन, ये गाय जैसी दिखाई देती है, काऊ जैसी, तो ये मिथुन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ये क्या है, ये अंडमान टील है, तो इस तरह से आप इनको देख सकते हो, ये एंडेमिक स्पीसीज है, अगर आपसे पूछा जाए तो इन सभी के एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। नेक्स्ट आती है एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब क्या है, खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म हो चुके, अब नहीं बचे, ये आपको दिख रहा होगा, आपने बोला होगा अरे मैम ये तो मैंने देखा है, नहीं आपने ही नहीं देखा है, अब ये खत्म हो चुका है, पहले हुआ करता था बट अब ये खत्म हो चुका है। कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो पहले मिलती थी बट अब वो पूरी तरह से वहां से खत्म हो गई, वो हमें वहां पे नहीं दिखती, जैसे कि उस किसी लोकल एरिया में, उस रीजन में, किसी कंट्री में, एक्सटेंट है इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया से गई है, जरूरी नहीं है किसी एक लोकल एरिया में, लाइक अंडमान में मिलती थी, अंडमान में अब नहीं मिलती है, या इंडिया में मिलती थी, अब इंडिया में नहीं मिलती, या मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में, या गुजरात में किसी स्टेट में मिलती थी, उस स्टेट में नहीं मिलती, हो सकता है जिस एरिया में वो पहले मिलती थी अब वो वहां पे नहीं मिलती, तो उस एरिया से एक्सटेंट हो सकती है, उस कंट्री से एक्सटेंट हो सकती है, उस स्टेट से एक्सटेंट हो सकती है, या पूरी की पूरी दुनिया से एक्सटेंट हो सकती है, जैसे कि डायनासोर खत्म हो चुके पूरी दुनिया में, कहीं पे भी नहीं अब, इसी तरह से अगर आप देखें तो ये जो एशियाटिक चीता है ये पहले मिलता था, अब ये नहीं पाया जाता, ये एशिया में ही, इंडिया में था बट अब ये यहाँ पे नहीं है, अभी रिसेंटली कुछ चीता लेके आए गए हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, तो अभी लेके आए गए थे, ये जो चीता है एशियाटिक चीता ये अब नहीं है, ये पिंक हेडेड डक है, इसको आप देखो ये पिंक हेडेड डक है, तो ये जो डक है ये भी अब खत्म हो चुकी है, एक्सटेंट स्पीसीज इंडिया के लिए, ठीक है। ओके, अब एशियाटिक चीता की बात की तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये जो एशियाटिक चीता है ये वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल है, ये बहुत स्पीड से दौड़ता है, और इसकी स्पीड कितनी होती है, 112 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड होती है, एक स्पेशलाइज मेंबर है कैट फैमिली का, कैट फैमिली में ही होता है,
और 20 सेंचुरी में, प्रायर टू 20 सेंचुरी, चीता जो थे वो थ्रू आउट एशिया एंड अफ्रीका, अफ्रीका और एशिया दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन अब यहाँ से, हमारे यहाँ से खत्म हो चुका है। एशियन चीता जो है वो नियरली एक्सटेंट, मतलब कि खत्म होने की कगार पर है, ड्यू टू अ डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। ठीक है, इंडिया से तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इनको जो हैबिटेट की रिक्वायरमेंट है और इनको जो प्रे की रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो रही है। प्रे लाइक इनका फूड, फूड जैसे डियर को खाते हैं, किसी एनिमल को खाते हैं, अब वो एनिमल अगर इनको नहीं मिलेगी तो ये खत्म हो जाएंगे। सेम इसी तरह से इनका जो हैबिटेट है, जो इनका फॉरेस्ट जो एरिया चाहिए होता है, अगर वो खत्म होगा तो फिर ये खत्म हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये डिक्लाइन हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं इंडिया से। ठीक है, स्पेसिफिक फॉर डिक्लेयर्ड एक्सटेंट इन इंडिया लॉन्ग बैक 1915, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। रिसेंटली अभी वापस से चीता लाए गए हैं इंडिया में और एमपी में रखे गए हैं वो चीता, लेकिन अब वो कितना सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो बात की बात है। हमारे यहाँ पे जो एशियाटिक चीता थे वो कब खत्म हो चुके हैं, डिक्लेयर कर दिया गया 1952 में कि इंडिया से एक्सटेंट हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, इंडिया में अब ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो तो आपको लगता होगा कि यार हमने देखा है, नहीं आपने नहीं देखा। कभी कभी आप जो लियोपर्ड है उससे मिस्टेकन कर जाते हो, बेसिकली लियोपर्ड एक अलग तरह का दिखता है। यहाँ पे आप देखो तो इनके फेस में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा आई से इस तरह की लाइंस गई हैं माउथ तक। ठीक है, तो लॉन्ग ये ड्रॉप्स, ये लाइंस गई हैं, बेसिकली ड्रॉप जैसे जैसे आंसू आ रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह की लाइंस हैं जो माउथ तक इसके गई हैं, तो ये बिल्कुल अलग दिखता है इस लियोपर्ड से। ओके ठीक है, अब हमने चीता के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है ये, या बात कर रहे हो मैम तब से कि अगर नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू रहे तो खत्म हो जाएगा। नेगेटिव कौन से नेगेटिव फैक्टर्स, तो ये जो फ्लोरा एंड फौना है उसके लिए कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। नेगेटिव फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो क्यों ये नेगेटिव फैक्टर्स डिप्लीट कर रहे हैं फ्लोरा फौना को, तो देखिए हमें अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड के लिए हम क्या, जैसे चूल्हे पे पहले चपाती बनाते थे या खाना चूल्हे पे बनाते थे, तो उसके लिए क्या यूज करते थे, वुड यूज करते थे। तो फ्यूल के लिए हमें क्या चाहिए, वुड चाहिए, बार चाहिए, और मेडिसिन है तो मेडिसिन के लिए हम, काफी सारे मेडिसिन के लिए हम उनके फ्रूट्स निकाल लेते हैं या बार्क से निकाल लेते हैं या रूट से हम मेडिसिन बनाते हैं, तो वो सब है। रबर चाहिए, डाई चाहिए, फूड चाहिए, फ्यूल चाहिए हमें, और फोडर चाहिए, चारा हमें जो चाहिए होता है, मैन्योर चाहिए होता है, वो कहाँ से लाके आता है, तो वो कहाँ से आता है, फॉरेस्ट से ही आता है। तो ये सभी चीजें जो है वो हमें फॉरेस्ट से मिलती है, और इसी वजह से ग्रेटेस्ट डैमेज हो रहा है इंडियन फॉरेस्ट को। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कॉलोनियल पीरियड की, कॉलोनियल पीरियड की जब इंडिया कॉलोनी हुआ करता था, ब्रिटिशर्स का रूल था यहाँ पे, तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो उन्हें बहुत ज्यादा मतलब नहीं था इंडिया के फ्लोरा एंड फौना से। उनको क्या चाहिए था, उनको जो भी रिसोर्सेस हैं उनको पूरी तरह से जितना यूज कर सके उतना यूज किया उन्होंने। तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया गया, बेसिकली बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया इन रिसोर्सेज को। तो उस टाइम पे क्या क्या रीजन थे, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, रेलवेज बनाई उन्होंने, तो रेलवे का आप ट्रैक बनाओगे, ट्रैक बनाओगे तो कहाँ पे बनाओगे, जो फॉरेस्ट कवर है या जो लैंड है वो पूरा आप उसको ऑक्यूपाई करोगे, क्योंकि बाकी जगह पे तो पॉपुलेशन रह रही है। तो एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, तो रेलवेज के लिए उन्होंने जंगल काट दिए। इसके अलावा क्या, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो इंडिपेंडेंस के बाद भी चला, एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड चाहिए होगी तो कहाँ से लेके आओगे, उन्हीं फॉरेस्ट को खत्म करोगे। एंड कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और माइनिंग एक्टिविटीज, इस तरह से माइनिंग की गई, खुदाई की गई, माइनिंग मतलब खुदाई, तो इस तरह से माइनिंग की गई, अलग अलग टाइप की माइनिंग होती है, तो इसी तरह से माइनिंग की गई, उसके लिए भी ये फॉरेस्ट को यहाँ से पूरे के पूरे खत्म कर दिए। यहाँ पे है, यहाँ पे माइनिंग करोगे तो ये भी खत्म हो जाएगी, तो इस वजह से जो फॉरेस्ट कवर है वो कम होता गया। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद भी ये हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हुआ, हमारे देश में हमारी कंट्री को सेल्फ डिपेंड बनाना था, गरीबी बहुत थी, उसके लिए सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए क्या किया, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन किया। एग्रीकल्चर हर किसी के पास कुछ ना हो तो कम एग्रीकल्चर तो हो, तो एग्रीकल्चर को एक्सपेंशन किया गया, और इस एक्सपेंशन के लिए कहाँ से, लैंड तो चाहिए तो कहाँ से आएगी, तो फॉरेस्ट को कट किया गया। तो इसी वजह से इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो है वो मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसकी वजह से फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है खत्म हो गए, फॉरेस्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो क्लियर है। अब इसमें अगर हम बात करें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 1951 से 1980 के बीच की बात बताता है, इसमें बताया गया है 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट कवर था वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया। मतलब वो फॉरेस्ट कवर खत्म हो गया, एग्रीकल्चर लैंड बन गई, वो वहां से प्लांट्स वगैरह कट कर दिए गए और उसपे फार्मिंग की जाने लगी। तो ये इतना सारा 26,200 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया जो है वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया इसके लिए। ठीक है,
अब कुछ और अगर हम पार्ट्स की बात करें, जैसे सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ ट्राइबल बेल्ट स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में एक टाइप ऑफ कल्टीवेशन चलता है जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या किया जाता है, पहले तो जहाँ फॉरेस्ट होता है उसको कट कर दिया जाता है, प्लांट्स को कट कर देते हैं। कट करने के बाद एक लैंड आ गई, उस लैंड पर क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग 2 4 साल 5 साल तक फार्मिंग की जाती है, करीब इतनी फार्मिंग की जाती है। उसके बाद जो सॉइल है वो क्वालिटी उसकी डिग्रेड हो जाती है, उसको फिर वैसा का वैसा छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह जाते हैं वहां के फॉरेस्ट को काटते हैं। तो इस तरह से ये जो कल्टीवेशन होता है इसकी वजह से काफी सारा ये जो फॉरेस्ट कवर है वो खत्म हो रहा है। अब इसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कुछ लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब हमें इकोनॉमी को बढ़ाना है तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी लाने होंगे, तो यहाँ पर भी लेके आए गए रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। 1951 के बाद अगर हम बात करें रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ने, इनकी वजह से 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर जो है वो खत्म किया गया, इतने से प्लांट्स वगैरह कट किए गए। इनमें एक नाम पूछा जाता है आपसे, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पर ये जो नर्मदा सागर डैम बनाया गया है, ये जो है इसके लिए 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को खत्म किया गया। मतलब ये क्या था, रिवर वैली प्रोजेक्ट, इसमें डैम बनाया गया है, यहाँ पे ये रिवर जा रही है और इसमें यहाँ पे डैम बना दिया। डैम बनाने में क्या करते हैं, अब ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे गेट लगा ली और ये जो पूरा एरिया है वो पानी में पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको भी हटाया जाएगा, जो पीपल हैं, और इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी हटाया जाएगा। हटाया जाएगा या वो खत्म हो जाएगी फॉरेस्ट को कट करके, और फिर इस पूरे एरिया का क्या किया जाएगा, इस पूरे एरिया में डैम बना दिया जाएगा। इसके काफी सारे रिक्वायरमेंट से, काफी वजह से ये किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो किया गया तो उसकी वजह से फॉरेस्ट कवर जो है वो खत्म हुआ, कितना, 5000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर खत्म हुआ। नेक्स्ट आता है माइनिंग। माइनिंग में मैंने बताया था कि खुदाई करते हैं, तो यहाँ पे एक आपसे ये पूछा जा सकता है, बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये वेस्ट बंगाल में है बुक्सा टाइगर रिजर्व, और ये सीरियसली थ्रेटन लिस्ट में, मतलब ये बिल्कुल खत्म हो सकता है। यहाँ पे डोलोमाइट माइनिंग चल रही है उसकी वजह से, बुक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट माइनिंग चल रही है, डोलोमाइट की वजह से उसको माइन किया जा रहा है, खुदाई की जा रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा बुक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे टाइगर है, टाइगर के लिए है ये, ठीक है। ओके, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप वहां पे माइनिंग कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो तो जो एनिमल्स रह रहे हैं या जो प्लांटेशन है वो खत्म हो रहे हैं। अब उनका हैबिटेट खत्म हो रहा है तो एनिमल क्या खाएंगे, वो दूर दूर जाएंगे, उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहा है, माइग्रेट करेंगे एक रूट से दूसरी जगह पे, और माइग्रेट कर रहे हैं तो हम उन्हें मारने के लिए वैसे ही बैठे हुए हैं। तो इसी वजह से इंडियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन एलिफेंट है, वो क्या हो रहा है, वहां से माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं तो इधर उधर जाते हैं, फार्मर्स की लैंड वगैरह में जाते हैं, किसी विलेज में जाते हैं। और विलेज में आपने कुछ वीडियोस भी लास्ट ईयर वायरल हुए थे, आपने देखे होंगे, एक एलिफेंट, मदर एलिफेंट थी, बेबी था उसके अंदर, और उसने एक फ्रूट खा लिया था जिसकी वजह से वो मर गई थी, ठीक है। और वो फ्रूट में क्या था, उसमें पटाखे वगैरह, इस तरह के बॉम्ब वगैरह लगा हुआ था। और फिर वो विलेज में जो लोग रहते थे उन्होंने किस लिए किया था, उनकी सेफ्टी के लिए किया, ये हमें ना मार दे, और उस चक्कर में वो मर गए। तो इस तरह की ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं इस वजह से, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव फैक्ट है। अब उनका हैबिटेट खत्म हो रहा है तो वो कहाँ आएंगे, वो हमारे हैबिटेट में आएंगे, और हम इतने चालाक हैं उनको मार देते हैं, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये आपको समझ आ गया। हंटिंग, उनको मार देते हैं। पोचिंग क्या होता है, इलीगल हंटिंग, ठीक है। हंटिंग है बट इलीगल है, मतलब गवर्नमेंट ने उसको मना कर रखा है, तो दैट इज पोचिंग। और इलीगल हंटिंग का क्या फायदा होता है, इलीगल हंटिंग करके फिर उनको मार के और फिर उनको ट्रेड किया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल या हमारी कंट्री से बाहर उसको काफी प्राइस मिलती है, तो इसलिए पोचिंग होती है। तो पोचिंग अब गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, तो इलीगल हंटिंग बोल सकते हैं इसको आप। ओवर एक्सप्लोइटेशन, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनका ओवर एक्सप्लोइट करते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉपुलेशन, ठीक है, जो पॉपुलेशन सॉरी पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, दोनों ही रीजन है। पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से हमें रिसोर्सेज चाहिए, ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा रिसोर्सेज, ठीक है। तो ज्यादा रिसोर्सेस के लिए हम ज्यादा कट करेंगे फॉरेस्ट को, ठीक है। एनवायरनमेंट में को पॉल्यूट कर रहे हैं उसकी वजह से भी, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर, जो फॉरेस्ट में आग लग जाती है, ये सब नेगेटिव फैक्टर्स हैं, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं ये फैक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, तो
अनइक्वल एक्सेस है, जैसे कि किसी को रिसोर्सेज ज्यादा मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं। जो रिच है उनको ज्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो पुअर है उनको कम मिल रहे हैं। तो अनइक्वल एक्सेस है, जिसकी वजह से इन दोनों में ही प्रॉब्लम है कि यार हमें इनको ज्यादा मिल रहा है, हमें नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सबके लिए है, तो सबको इक्वल मिलना चाहिए, तो अनइक्वल एक्सेस है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, कोई कम ले रहा है, कोई ज्यादा ले रहा है, कोई प्लांट्स को ग्रो कर रहा है और कोई बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो एनवायरमेंटल वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग जो है वो डिफरेंट है, और अनइक्वल एक्सेस है इन सभी रिसोर्सेज का। जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए जो प्लांट्स चाहिए, फॉरेस्ट का चाहिए, वो ले तो लेते हैं, बट उतना वो प्लांटेशन करना नहीं चाहते। ठीक है, तो उन्होंने जितना लेना था हम ले लेते हैं, लेकिन वापस बदले में देना नहीं चाहते। तो इस वजह से भी ये भी नेगेटिव फैक्टर्स है, डिप्लीट हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन जो मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, तो ओवर पॉपुलेशन भी इसका एक रीजन है। और इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं, जो मैंने बताया अनइक्वल एक्सेस, अनइक्वल एक्सेस जैसे कि किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम। जो रिच है ना उनको ज्यादा मिल रहा है, और जो पुअर है उसको कम मिल रहा है, क्योंकि रिच के पास इतना पैसा है कि वो आराम से, जैसे कि हम बात करें कोई रिच पर्सन है, वो आसानी से बहुत अच्छी वुड का फर्नीचर ले सकता है, या जितनी भी मेडिसिन वगैरह चाहिए वो ले सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। बट पुअर के पास नहीं है, तो पुअर को वो चीजें कम मिल रही हैं और जो रिच है उनको ज्यादा मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे एक डेटा देखा है, तो एवरेज अमेरिकन जो कि रिच है, 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज यूज करते हैं, उनके पास 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज है, 40 गुना ज्यादा रिसोर्सेज है देन एवरेज सोमेलियन। सोमेलियन जो कंट्री है वहां पे बेसिकली क्या है, कम रिसोर्सेज है, वो लोग गरीब है, पुअर है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें इंडिया में, तो 5% रिचेस्ट जो है, रिचेस्ट जो लोग हैं वो रिचेस्ट 5% जो है उनके पास ज्यादा इकोलॉजिकल डैमेज किया है उन्होंने इसी फ्लोरा एंड फौना को, देन जो पुअरेस्ट है 25%, मतलब कि 25% लोगों से पे भारी है 5% रिच। ठीक है, 25% पुअर पे भारी है, 5% रिच। ठीक है, तो इतना इकोलॉजिकल डैमेज किया है इन्होंने। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात बताई गई है, जो फार्मर्स है वो मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एनवायरमेंटल वेलबींग की, इसी वजह से भी ये डिप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या आता है, ग्रेजिंग और फ्यूल कलेक्शन। जैसे हमें फ्यूल वुड के लिए, वुड को लेके आना है, तो हम जंगलों को काट काट के लेके आएंगे, फिर उससे खाना बनाएंगे, तो फ्यूल वुड कलेक्ट कर रहे हैं। ग्रेजिंग, हमारे जो कैटल्स वगैरह उनको हमें फूड देना है, तो उसको ग्रेजिंग के लिए भी हम इसको कट करते हैं। ठीक है, ग्रेजिंग के लिए हालांकि आपकी ऊपर की लीफ से ही काम चल जाएगा, लॉपिंग से ही काम चल जाएगा, आपको एंटायर ट्री को काटने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसके लिए फॉरेस्ट जो है वो खत्म नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई काट के ले आए तो फिर ऑब्वियसली खत्म होगा। ठीक है, जैसे हम इसके बहुत सारी चीजें बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, हनी हमें फॉरेस्ट से मिलता है, बम्बू मैट अगर हम बनाएंगे, जैसे कि ये मैट बनाएंगे, ये बम्बू से बनाई गई है, बम्बू से आपने बहुत सारे फर्नीचर बनाए हुए देखे होंगे, या साल से, पाइन से फर्नीचर बनाए देखे होंगे, तो ये कैसे बनते हैं, जब उसको काटोगे तभी तो बनाओगे, आपके घर में भी बहुत सारे फर्नीचर होगा इस तरह का, तो उससे भी फॉरेस्ट जो है वो कवर खत्म हो रहा है, फॉरेस्ट जो है उसको डिग्रेड कर रहे हैं हम, उसको डिप्लीट कर रहे हैं, लेकिन हम उतने प्लांट्स लगाते ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद अपने घर पे प्लांट्स लगाने हैं, छोटे छोटे से ही लगाओ, लेकिन आपको आपको ये प्लांटेशन अपने घर के बाहर या कहीं पर भी आपको प्लांटेशन करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें कोलोनियल पीरियड की, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे थे, तब उन्होंने सबसे ज्यादा इस चीज को नुकसान पहुंचाया, जो हमारा फॉरेस्ट कवर था उसको नुकसान पहुंचाया। कैसे, तो यहाँ पे इन्होंने एनरिचमेंट प्लांटेशन किया। एनरिचमेंट प्लांटेशन क्या है, इन्होंने क्या किया, जैसे एक जगह है वहां पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स पाए जाएंगे, है ना, लेकिन जैसे मान लीजिए एप्पल है और वहीं पर एक है टमाटर, ठीक है, टमाटो है और एप्पल है, किसी जगह पे टमाटो भी है और एप्पल भी है, लेकिन एप्पल में मुझे ज्यादा पैसा लगता मिलता है, तो मैं एप्पल ग्रो करना पसंद करूंगी या टोमेटो, तो ऑब्वियसली एप्पल। तो इन्होंने भी वही किया, इन्होंने क्या किया, एक जगह पे जो अलग अलग टाइप की स्पीसीज थी, उन्होंने कहा कि यार इसमें ज्यादा फायदा है तो इसको ग्रो करो, बाकी सबको हटा दो, तो मोनोकल्चर हुआ। ठीक है, तो ये जो मोनोकल्चर हुआ, एक टाइप की जैसे टीक मोनोकल्चर हुआ, यहाँ पे टीक का फर्नीचर बनाया जाता है जो काफी महंगा बिकता है, बहुत ज्यादा उसमें मतलब पैसा मिलता है, तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, टीक मोनोकल्चर किया, तो बाकी जो साउथ इंडिया में बाकी नेचुरल फॉरेस्ट थे उनको खत्म कर दिया, जगह भी तो चाहिए, तो उन फॉरेस्ट को खत्म कर दिया और टीक का प्लांटेशन कर दिया पूरे में। इसको इन्होंने क्या बोला, एनरिचमेंट प्लांटेशन। ठीक है, तो उन्होंने अपने फायदे के लिए क्या किया, एक प्लांट को लगा दिया, बाकी सबको हटा दिया। ठीक है, तो
इसकी वजह से भी वहां के जो नेचुरल फॉरेस्ट थे वो खत्म हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो है ये चिरपाइन का प्लांट होता है, तो ये जो है प्लांटेशन इन द हिमालय हैव रिप्लेस द हिमालयन ओक, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हिमालयन ओक था वो खत्म हो गया, इसका प्लांटेशन किया तो ये खत्म होते चले गए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एक तरह के प्लांटेशन हम कर रहे हैं हमारी हमारे बेसिकली मनी के लिए, और बाकी जो प्लांट्स वहां पे नेचुरल प्लांट्स थे वो खत्म हो गए, ठीक है। तो ये कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे हुआ था जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे। एक यहाँ पे और प्लांट आता है हिमालयन यू, ये जो आप देख रहे हैं ये है हिमालयन यू, ये जो है ये एक मेडिसिनल प्लांट है। ये कहाँ पे पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, इंडिया में हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में ये मिलता है। ये जो प्लांट है इसमें एक टेक्सोल कंपाउंड होता है, टेक्सोल कंपाउंड इसके बार्क में होता है, नीडल में होता है, ट्विंग और इसकी जो रूट्स है वहां पे ये टेक्सोल कंपाउंड पाया जाता है। ये कंपाउंड जो है वो कैंसर को ट्रीट करने के काम आता है। अब कैंसर कितना ज्यादा, कैंसर की बीमारी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, अब ये कैंसर के लिए ड्रग की तरह काम करता है, जो कि इंडिया में मिलता है, इंडिया में मिलता है, तो इतने ज्यादा कैंसर पेशेंट्स हैं तो उसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। डिमांड जो है तो कितना ज्यादा इसको कट किया जाएगा, तो यहाँ पे बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग है इन द वर्ल्ड, और इसी वजह से ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसका और ये थ्रेटन कंडीशन में है, ठीक है। अगर हम बात करें 1 डिकेड की, मतलब कि 10 ईयर्स की बात करें, तो 10 ईयर्स में 1000 ऑफ यू ट्रीज जो है वो खत्म कर दी गई है, और वेरियस इन द वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, हिमालयन जो यू है वो ट्रेवल में है, इंटरवल एक्सप्लेन, तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे, ओके। तो एक्सप्लेन करके कमेंट में मुझे बताएं। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट टाइगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली टाइगर को बचाने के लिए किया गया, टाइगर की भी बहुत हंटिंग होती थी, पोचिंग होती थी, तो उस वजह से टाइगर इंडिया में खत्म होने लगे थे। तो ये चीज गवर्नमेंट को समझ आई, अथॉरिटीज को समझ आई, तो 1973 में इन्होंने क्या किया कि टाइगर की पॉपुलेशन देखा कि 55,000 थी इन द टर्न ऑफ सेंचुरी, मतलब स्टार्टिंग में ये 55,000 थी सेंचुरी स्टार्ट होने के टाइम पर, 19th सेंचुरी स्टार्ट होने के टाइम पर, और 1973 में देखा कि 70 ईयर्स के आसपास में देखा कि 1827 बच गई, मतलब इतनी कम हो गई। तो उन्होंने देखा कि यार टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो उसकी हालत बहुत खराब है, वो मतलब खत्म होते जा रहे हैं और एक्सटेंट ही हो जाएंगे। किस वजह से एक्सटेंट हो जाएंगे, पोचिंग की वजह से हो जाएंगे, पोचिंग की जा रही है, इलीगल ट्रेड किया जा रहा है, उनका हैबिटेट खत्म हो रहा है, उनका प्रे खत्म हो रहा है, और ह्यूमन की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो हम उनको मार देते हैं, हंटिंग कर देते हैं, उस वजह से ये खत्म होने लगी थी। तो इसी वजह से क्या किया गया, इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, ठीक है, ओके। तो इनकी जो स्किन है और इनकी जो बोन्स वगैरह है वो मेडिसिन में काम आती है, तो इनकी स्किन का बोन्स का यूज किया जाता है। स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन अ वर्ड ऑफ एक्सटेंशन, तो एशियन कंट्रीज में काफी ज्यादा पॉपुलेशन कम हो गई थी, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडिया में और नेपाल में ये काफी ज्यादा इनकी पॉपुलेशन हुआ करती थी, और यहाँ पे ही ये थे और इन सब चीजों के लिए चाहिए होती है, और अब जब ये मिल रहे थे तो आसानी से इनकी इनको मार के इनकी बोन्स और स्किन का वो ट्रेड किया जाता था, पोचिंग की जाती थी, तो यहाँ पे इलीगल ट्रेडिंग की जाती थी इन दोनों नेशन से, तो ये प्राइम टारगेट थे पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइगर बेसिकली खत्म होने लगे। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या था, ये 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर लेके आया गया था। इसमें क्या था कि कुछ कुछ ऐसे नेशनल पार्क थे जिनको टाइगर रिजर्व बनाया गया, मतलब इनमें टाइगर को रखा जाएगा, उनका ध्यान रखा जाएगा, उनको प्रे और उनको हैबिटेट ये सब चीजें प्रोवाइड की जाएगी, जिससे वो और ज्यादा एक्सटेंड ना हो, और साथ में इनको कुछ लीगल राइट्स भी दिए गए। लाइक अगर मुझे कोई मारेगा तो मेरे पास लीगल राइट है, मैं कंप्लेन कर सकती हूँ या मेरी फैमिली कंप्लेन कर सकती है, मतलब बेसिकली हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, और इसी तरह से अगर टाइगर को भी कोई मारेगा तो उसके लिए भी सेम चीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व बनाए गए, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में, ये सभी प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आए। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। मानस टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है, ये कुछ टाइगर रिजर्व है, और भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व है। आप मुझे कमेंट में बताइए कौन कौन से टाइगर रिजर्व है इंडिया में, ठीक है, सभी की लाइन से आप मुझे बताइए कमेंट करके, ओके। तो प्रोजेक्ट टाइगर आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज जस्ट नॉट एन बायोलॉजिकल इशू।
अब बात आती है कि आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो खत्म हो रही है, फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। हम जो ह्यूमंस है वो भी फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है, तो वो भी इसकी वजह से काफी ज्यादा खत्म हो रहा है। जैसे कि कुछ ट्राइब्स हैं, तो ट्राइब्स इसकी वजह से उनका जो वो अपना उनके कमाने का तरीका यही है, तो उनकी भी वो भी खत्म होती जा रही है, इसकी वजह से उनको भी जॉब लेस होती जा रही है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल इशू तो है ही, और साथ में क्या होता है जैसे कि कुछ ट्राइब्स हैं जो प्लांट्स की पूजा करती है, ठीक है, तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी भी लॉस हो रही है। जैसे कि हम पीपल के की पूजा करते हैं या हम तुलसी की पूजा करते हैं, तो इसी तरह से जो इंडिया में जो ट्राइब्स हैं वो इन प्लांट्स की पूजा करते हैं, ठीक है, तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी इसकी वजह से खत्म हो रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंड है, डायरेक्टली डिपेंड है और इनडायरेक्टली डिपेंड है, जैसे फूड पे है, ड्रिंक के लिए, मेडिसिन के लिए, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, इन सभी चीजों के लिए जो ट्राइब्स हैं वो फॉरेस्ट पे डिपेंड है। ठीक है, तो इसकी वजह से पुअर काफी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि पुअर ही डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होते हैं फॉरेस्ट के, और पुअर में भी अगर हम बात करें तो वो में ज्यादा अफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि लाइक फॉडर लेके आना है, ठीक है, चारा लेके आना है, तो वुमेन का काम होता है बहुत सारी ट्राइब्स में वो फ्यूल कलेक्ट करना, फॉडर कलेक्ट करने का, तो वो अपने घर से बाहर जा रही है, अपने घर से बाहर जा रही है, तो अपने जो चाइल्ड्स हैं उनको घर पे छोड़ के जा रही है, इतनी दूर जा रही है, इतने फॉरेस्ट वाले रीजन में जाए, तो उस इतनी दूर जाना, मतलब जैसे कि मान लो फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट कवर होता तो उनके आसपास ही मिल जाता, लेकिन अब उनको दूर जाना पड़ रहा है, दूर जाना पड़ रहा है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो वो काफी ज्यादा अफेक्ट होती है वुमेन, और स्पेशली पुअर काफी ज्यादा अफेक्ट होते हैं इसकी वजह से। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इसके लिए कंजर्वेशन किस तरह से किया गया, तो कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। तो कंजर्वेशन बेसिकली इसमें क्या है, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, और हमारे वाटर, एयर, सॉइल इन सभी बेसिकली जो लाइफ सिस्टम उसको कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। 1960s और 70s में कंजर्वेशनलिस्ट जो थे उन्होंने डिमांड की कि नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम लाया जाए, तो इसके लिए 1972 में एक प्रोग्राम आया, नेशनल मतलब इंडियन इंडियन नेशनल इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो इंडिया के लिए है, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, वेरियस प्रोविजंस किए गए फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, मतलब कि ये जो एनिमल्स हैं, ये जो फ्लोरा एंड फौना है उसके हैबिटेट को बचाने के लिए काफी सारे प्रोविजंस किए गए। तो यहाँ पे ये है, हंटिंग को बैन किया गया, लीगल प्रोटेक्शन को प्रोवाइड किया गया, ठीक है, हंटिंग को बैन किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया, ट्रेड ट्रेड जो है वाइल्ड लाइफ का ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनकी हंटिंग नहीं हो सकती। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, ये जो अभी आई थी पुष्पा, पुष्पा जो मूवी थी, तो उसमें बेसिकली क्या वो इलीगल ट्रेडिंग ही करते थे वुड का, तो इस तरह की चीजों को इलीगल किया गया, इनकी ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। ओके, तो गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए, तो ये गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए, तो यहाँ पे सेवरल प्रोजेक्ट्स लेके आए गए फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, ठीक है, जो कि थ्रेटन लिस्ट में है, जो खत्म होने वाले हैं, जो डेंजर कैटेगरी में है, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या किए गए, एक टाइगर रिजर्व बनाया गया, जैसे कि टाइगर के लिए किया गया, वन हॉर्न राइनो के लिए किया गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, और कश्मीर स्टैग या हॉर्नबिल, ये जो है इसके लिए किया गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, जैसे कि फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, या घड़ियाल है, घड़ियाल को काफी ज्यादा मार दिया जाता है, घड़ियाल एक्चुअली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन फिशिंग के लिए लोग जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये तो हमें मार देगा, तो वो उसको मार देते हैं। ठीक है, इस तरह से घड़ियाल भी खत्म हो रहा है, तो उसके लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, एशियाटिक लायन जो है, और इन सभी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए, ठीक है, कंजर्व करने के लिए। मोस्ट रिसेंटली इसमें ऐड किया गया इंडियन एलिफेंट को, क्योंकि इंडियन एलिफेंट भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से मर जाते हैं, ब्लैक बक को जो चिंकारा है वो भी एक्सटेंट हो रहा है, इसी वजह से उसको भी उसमें ऐड किया गया। इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसको ऐड किया गया, स्नो लियोपर्ड को ऐड किया गया, और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया गया, मतलब किसी को लीगल, जो जैसे कि टाइगर है उनको लीगल प्रोटेक्शन है, अगर उनको मारा तो आपको गवर्नमेंट उसी तरह से ट्रीट करेगी जैसे कि किसी ह्यूमन को मारते हैं, तो आपको उस तरह की, जैसे कि सलमान खान को सजा चल रही, तो इस तरह की जो है, तो उन अगर किसी को मारते हैं तो उस उनको फिर
कोई ना कोई सजा, मतलब उस तरह से लीगल एक्शन उन पे लिया जा सकता है। तो वो सच है या नहीं वो एक अलग बात है, मारा नहीं मारा वो एक अलग चीज, लेकिन इस तरह से क्या होता है कि गवर्नमेंट या जो हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें, वहां पे फिर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है, उन लोगों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986 सेवरल हंड्रेड्स बटरफ्लाइज को भी इसमें ऐड किया गया, मॉथ बीटल्स, इनको मतलब जो कीड़े मकोड़े वगैरह हैं, बटरफ्लाइज हैं, इन सभी को उसमें ऐड किया गया, प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में इनको डाला गया। 1991 में फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर ऑल्सो एडेड इन द लिस्ट, ठीक है, 1991 में पहली बार इसमें प्लांट्स को भी एड किया गया और प्लांट की 6 स्पीसीज को इसमें ऐड किया गया, ठीक है। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, देखो इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे 3 टाइप है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंडिया में जो भी फॉरेस्ट है उनको कौन ओन करता है, बेसिकली क्या मैनेज और ओन करने का काम है गवर्नमेंट का, ठीक है, और गवर्नमेंट के थ्रू कौन करता है, गवर्नमेंट करवाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनसे कराती है, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, जितना भी हमारे पास टोटल फॉरेस्ट है उसका हाफ से ज्यादा जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट वो है जो मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट है, मतलब इनको आप काट नहीं सकते ये, या इनको वैल्यूएबल फॉरेस्ट में रखा गया है जिससे कि कोई आके इसको काट पीट के घर ना ले जाए और ये बचे रहे, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कितने आते हैं, 1/3, हाफ मोर देन हाफ जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट में, 1/3 जो टोटल फॉरेस्ट एरिया का 1/3 आता है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर ही आते हैं, ये प्रोटेक्टेड है और एनी फर्दर डिप्लीशन से बचाने के लिए इनको कैटेगराइज किया है। तीसरा आता है अनक्लास्ड, मतलब जिनकी कोई क्लास नहीं है, प्राइवेट और इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटी, मतलब बेसिकली कोई भी, गवर्नमेंट भी कर सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटी, दोनों सभी का इस पर हक है, तो ये अनक्लास्ड में आते हैं। तो यहाँ पे 3 क्लासेस हैं, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास, ठीक है, क्लियर हो गया। रिजर्व प्रोटेक्टेड को आप काट नहीं सकते, उनको कट करके घर नहीं ले जा सकते, है ना, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, हालांकि गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेक्टेड लिस्ट में रखा है, लेकिन अगर जैसे रिवर वैली प्रोजेक्ट वगैरह कुछ आते हैं तो फिर उनको काट कर लिया जाता है ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये कौन कौन से स्टेट में क्या क्या रेशियो है इनका, तो मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, जो परमानेंट फॉरेस्ट है उसमें आता है, मतलब ज्यादातर एरिया जो मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट एरिया है, मतलब सबसे ज्यादा अगर हम बात करें परमानेंट फॉरेस्ट में तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो 75% ऑफ इट्स फॉरेस्ट एरिया, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया कितना है, 21%, ठीक है, 21% पे फॉरेस्ट है और बाकी का अगर आप बात करो तो 79% पे आपका लोग रहते हैं, पीपल्स रहते हैं। तो 21% का 75% जो है वो आपका कितना है, परमानेंट फॉरेस्ट है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में लार्ज परसेंटेज किसका है, रिजर्व फॉरेस्ट का, लार्ज परसेंटेज किसका है, रिजर्व फॉरेस्ट का। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इन सभी में यह है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज्यादा है। और ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, या फिर हम गुजरात की बात करें, इसमें हाई परसेंटेज किसका है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट का है, मतलब कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट है जो कि यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज जो है वो इनको हैंडल करती हैं, ये मैनेज करती हैं लोकल कम्युनिटीज, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, क्लियर है, आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट आता है आपका, कुछ कंजर्वेशन की मतलब जैसे कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने जिस तरह से स्टेप्स उठाए, उसी तरह से जो कम्युनिटी है, जो पीपल है, वो भी इसके लिए स्टेप उठाते हैं। इसमें एक स्टेप आता है चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन। ये चिपको मूवमेंट है वो हिमालय रीजन में था। ये चिपको मूवमेंट क्या है, बेसिकली जो पेड़ थे ना उस पर जाके लोग चिपक गए, उन्होंने बोला यार हमें मार दो फिर इनको काटना, ठीक है। तो इस तरह का मूवमेंट आया था, डिफॉरेस्टेशन को रेसिस्ट किया था, सेवरल एरियाज एंड ऑल्सो सोन दैट कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन विथ इंडिजिनियस स्पीसीज कैन बी सक्सेसफुल, मतलब बेसिकली क्या था, वहां के लोकल पीपल ने इस तरह का स्टेप उठाया था कि नहीं आप हमारे यहाँ के प्लांट्स नहीं काट सकते हो। तो ये एक चिपको मूवमेंट आया था। नेक्स्ट है बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी, और ये जो आंदोलन था बीज बचाओ, बीज बचाओ, देखो आपको ये पता होगा कि क्रॉप को और अच्छा ये और प्रोडक्शन अच्छा हो, इसकी वजह से जो सीड होता है, सीड को काफी ज्यादा मॉडिफाई किया जाता है, बेसिकली उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सब चीजें प्लांट्स में मिलाते हैं। तो बीज बचाओ आंदोलन आया था और ये भी इसी वजह से था कि जो क्रॉप है वो बहुत ज्यादा खराब ना हो, सिंथेटिक चीजें उसमें बहुत ज्यादा यूज ना हो, विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, और बीज को बहुत अच्छा किया जाए, जो सीड है उसको अच्छा किया जाए लेकिन उसमें सिंथेटिक केमिकल्स वगैरह ना मिलाए जाए, ठीक है, जिससे कि उससे नुकसान ना हो,
ओके, नेक्स्ट जो आता है वो आता है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम था, ये किसके लिए था? फर्नेसेस अ गुड एग्जांपल ऑफ इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। इसमें लोकल कम्युनिटी को मिला के उसके साथ में क्या किया गया था, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट थे उनका रिफॉरेस्टेशन किया गया, और इन जो फॉरेस्ट है जो बचे हुए हैं उनका मैनेजमेंट लोकल कम्युनिटी ने किया। ठीक है, जैसे अभी आपको पता चला अनक्लास्ड जो फॉरेस्ट है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और वहां पे लोकल कम्युनिटीज उनको मैनेज करने का काम करती है, तो सेम इसी तरह से ये एक आया था ज्वाइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोकल पीपल या कम्युनिटी ने कौन कौन से मूवमेंट चलाया, कैसे पता चलता है कि वो अफॉरेस्टेशन चाहते हैं डिफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, तो चिपको मूवमेंट आया था, बीज बचाओ आंदोलन, या फिर JFM ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम आया था। ठीक है, तो ये क्या था, प्रोग्राम जो था फॉर्मल एग्जिस्टेंस आया इसका 1988 में, जब स्टेट ऑफ उड़ीसा मतलब उड़ीसा की गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्स्ट रेजोल्यूशन पास किया फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इस प्रोग्राम के लिए पहला रेजोल्यूशन 1988 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है, अब बात आती है सेक्रेट ग्रोव्स की, मतलब जिसमें लोकल जो पीपल है या जो पॉपुलेशन है उसको भगवान की तरह या पूजते हैं उसको। ठीक है, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज, जो नेचर वर्शिप बेसिकली इज एन ओल्ड ट्राइबल बिलीफ, मतलब कि यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं उनका बिलीव होता है कि ये जो नेचर है वो हमें प्रोटेक्ट करे। इंडिया में इस तरह से है, लोग ऐसा मानते हैं कि जो जैसे कि हम पीपल की पूजा करते हैं, बर्ड की पूजा करते हैं या तुलसी की, तो बेसिकली हम क्या मानते हैं, ये गॉड हैं, गॉडेस हैं, और ये सेक्रेट ग्रोव्स हैं, तो उनकी उनको बचाने का काम करते हैं, उनको कट नहीं करते। तो इस तरह की जो आपके मुंडास एंड संथाल जो ट्राइब्स हैं छोटा नागपुर में, तो उन्होंने भी इसको बचाया। ठीक है, वो बेसिकली महुआ की पूजा करते हैं, ठीक है, कदम की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो इस तरह की जो ट्रीज हैं कदम या महुआ, तो उनको लोग नहीं कट करते क्योंकि उनकी पूजा करते हैं, उनको भगवान जैसा मानते हैं। इसी तरह से ओडिशा और बिहार की अगर हम बात करें तो ये टर्मेन जो है उसकी पूजा करते हैं, मैंगो की, एक मैंगो बेसिकली वेडिंग के टाइम पर इनका एक कल्चर है, तो अब जिसकी पूजा करते हैं वो जो कोई कल्चर से रिलेटेड है उसको कट नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स या लोकल पीपल, वो भी जो फॉरेस्ट है उनको बचाने का काम इस तरह से करते हैं। अगर आपसे पूछे कि कैसे करते हैं, तो वो इस टाइप के जो सेक्रेट ग्रोव्स की अगर हम बात करें, तो जैसे टर्मरेंट को पूजा जाता है, मैंगो को वेडिंग्स के टाइम पर यूज किया जाता है, या कदम को पूजा जाता है, या महुआ को पूजा जाता है, या तुलसी की अगर हम बात करें तो उसको पूजा जाता है, तो ये सेक्रेट ग्रोव्स है। और जो स्पीसी जो मतलब बेसिकली ये जो प्लांट स्पीसीज है वो प्लांट स्पीसीज को जो ट्राइब्स हैं वो बचाने की कोशिश करते हैं, ट्राइब्स भी और बाकी सभी भी लोकल जो पॉपुलेशन है वो उसको बचाने के लिए काम करते हैं क्योंकि उसको भगवान की तरह पूजा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको वीडियो की PDF मिल जाएंगी। इसके अलावा आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, और यहाँ कमेंट में भी आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछिए, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर भी आपको बताने हैं। थैंक यू सो मच।